तरुण तुरंत उस लड़की के पीछे एक बार फिर भागा और अपने मन में बोला, आखिर ये है कौन और इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं वे लोग। तभी तरुण को अपने पीछे उन लोगों की आवाज सुनाई थी, इसी तरफ भागी थी। किसी भी हालत में वो हमें मिलनी चाहिए, वरना सरदार हमें मार डालेंगे। हमें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा या सरदार के सामने उसे लेकर जाना होगा। अगर वो हमारे हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तरुण इधर उधर ध्यान देता हुआ बोला, आखिर गई कहाँ? ये लोग उसे ढूंढकर जान से मारते, उससे पहले मुझे उसे ढूंढकर बचाना होगा। तभी तरुण को खिसकने की आवाज सुनाई दी। तरुण ने ध्यान से देखा और आवाज की तरफ बढ़ गया। कुछ आगे जाकर रेत का एक टीला जैसे बना था। वो लड़की उसी के पीछे छुपी थी, उसके पैर साफ नजर आ रहे थे। तरुण धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? यहाँ वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, जल्दी यहाँ से निकलो। तरुण की आवाज पर वो चौंकते हुए तरुण की तरफ पलटी और उसको देखकर उसकी जान में जान आई। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो तरुण को देखकर बोली, आप यहाँ भी? तरुण ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें ही भागने का शौक चढ़ा था, वहां से भागकर यहाँ आ गई। और यहाँ भी छुपी हो ऐसे कि वो साफ तुम्हें दूर से ही देख लेंगे। वो तुम्हारे पीछे ही हैं और तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं। वो लगभग रोती हुई बोली, अब मैं क्या करूं? कहां जाकर छुपूं कि वो मुझे ढूंढ ना सके? जहां भी जा रही हूं वहां मुझे ढूंढने के लिए आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तरुण ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बदले में उस लड़की ने बस तरुण की तरफ सवालिया नजरों से देखा और बोली, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तरुण ने कहा, जरूरी नहीं है कि किसी की मदद के पीछे कोई कारण हो। तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे पहले कि वो लड़की कुछ और बोलती, कदमों की आहट बहुत नजदीक आ गई थी। वो लड़की एक बार फिर हड़बड़ा गई। तरुण बोला, अब फिर से यहाँ से भागना चाहती हो? इस बार उस लड़की ने मासूमियत से इनकार में सिर हिलाया। तरुण बोला, और कोई सवाल करना चाहती हो? उसने एक बार फिर से इनकार में सिर हिलाया। तरुण बोला, बहुत अच्छे, तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर तरुण ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से एक तरफ बढ़ गया। वो लड़की हैरानी से कभी तरुण की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ की तरफ देखती। कुछ आगे जाकर तरुण को जब यकीन हो गया कि वो काफी आगे आ चुका है, तब वो रुका और इधर उधर देखते हुए उसने जादुई गेट को खोला और उस लड़की को लेकर उसके पार चला गया। तरुण सीधा उसी जगह पर जाकर खड़ा हुआ जहाँ उसने छलावा और विकी को छोड़ा था। वहां पहुंचकर बोला, ये दोनों कहाँ चले गए? उन्हें मैंने कहा था यहीं रुकने के लिए, अब तक आए नहीं क्या? उस लड़की ने कहा, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तरुण बोला, मेरे साथ मेरे दो दोस्त और थे। जब तुम चीखी थी तब मैं तुम्हें बचाने के लिए दूसरी तरफ चला गया था और वो दोनों यहीं थे। वो लड़की एकदम से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें राजकुमार करुण के वेश में जो भी है आप लोगों के बीच का वो मिल गया हो और वे दोनों उसी तरफ चले गए हो? उसकी बात सुनकर तरुण एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। तरुण को ऐसा लगा जैसे इस लड़की के वेश में वो अपने किसी दुश्मन को भी अपने साथ लेकर घूम रहा है। ये लड़की कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है, इतनी मासूम है नहीं। तरुण ने एकदम से उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाता हुआ बोला, कौन हो तुम? वो लड़की एकदम से सकपक आ गई। उसने अभी अभी जो कुछ भी बोला था उससे उसे एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है। वो खामोश हो गई। तरुण एक बार फिर गुस्से में घूरते हुए बोला, मैंने पूछा कौन हो तुम? वो लड़की घबराती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस। तरुण गुस्से में लगभग चीखता हुआ बोला, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, कौन हो तुम और कैसे जानती हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे दोस्तों के बारे में तुम कैसे जानती हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम त्रिशला है, मैं चांडालों के मुखिया की बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर तरुण हैरानी से बोला, तुम उनके मुखिया की बेटी हो और फिर भी वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? सच सच बताओ, तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ना, और मुझे मेरे दोस्तों से अलग किया है? क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? त्रिशला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि आप मेरी जान बचाने के लिए आएंगे। मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हूँ और शायद इसीलिए वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके मुखिया की बेटी हूँ। तरुण ने पूछा, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, इससे पहले कि मेरा शौक और गुस्सा दोनों तुम पर बढ़ता जाए। त्रिशला ने कहा, मैं अपने ही पिता के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल हो। मैं जानती हूँ ये गलत है, ये अपने ही साम्राज्य के विरोध में किया गया काम है। उसकी बात सुनकर तरुण एकदम से बोला, एक मिनट, कहीं तुम वही तो नहीं हो जो सज्जन सिंह की मदद कर रही थी वहाँ पर और सज्जन सिंह का संदेशा ध्रुव तक पहुँचा रही थी? त्रिशला बोली, हाँ मैं वही हूँ, सामने आ गया, इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहते हैं।
मेरे पिता के मुताबिक अगर मुझे जान से मार दिया गया तो बस्ती के और लोगों में यह संदेश फैल जाएगा कि मुखिया धोखे के लिए अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकता, तो बाकी किसी को क्या माफ करेगा, इसीलिए वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, तरुण बोला। ओह अच्छा, अब समझ में आया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? वैसे एक बात बताओ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पिता अपने जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसमें वो तुम्हें क्यों यहाँ लेकर आए हैं? त्रिशला ने कहा। वो मुझे लेकर नहीं आए हैं, बल्कि मैंने लगातार उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी थी। दरअसल बात यह है कि मुझसे मेरी जादुई शक्तियाँ छीन ली गई और मुझे कैद कर लिया गया, लेकिन मैं उनके कैद खाने से बाहर निकल गई, और जब मुझे पता चला कि मेरे पिता क्या करने वाले हैं, तब मैं उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई, पर मैं उनकी नजरों में आ गई, इसलिए वो अब मुझे जान से मार देना चाहते हैं, तरुण बोला। तब तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पिता किस तरफ गए हैं। तुम्हें ये भी पता होगा कि राजकुमार करुण के वेश में वो जिसे लेकर आए हैं वो कहाँ है, त्रिशला ने कहा। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें गुरुकुल के आश्रम की तरफ बढ़ते देखा था, वहीं पर ही मैं उनकी नजरों में आ गई थी। उसके बाद से वो कहाँ गए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तरुण ने कहा। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, त्रिशला बोली। कहाँ? तरुण ने कहा। मैं मेरे दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ गुरुकुल के आश्रम की तरफ, हो ना हो वहीं जाकर मुझे पता चलेगा कि वे लोग हैं कहाँ, त्रिशला घबराती हुई बोली। लेकिन वो जगह सुरक्षित नहीं है, अगर मैं तो क्या आप भी उन लोगों की नजरों में आ गए तो आप जानते नहीं है आपके साथ क्या हो सकता है। दूसरी तरफ ध्रुव के सामने सज्जन सिंह खड़ा था। ध्रुव अच्छे तरीके से जानता था कि ये सज्जन सिंह नहीं है, हालांकि जितने भी रूप उसने अभी अभी बदले थे वो कोई भी हकीकत का नहीं था। ध्रुव बोला, अब ये नकली वेश में ही आते रहोगे या अपने असली रूप में भी सामने आओगे? ध्रुव की बात सुनकर सज्जन सिंह जोर से हंस पड़ा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो औरतों जैसी लग रही थी, और बहुत ही तीखी आवाज थी। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम कौन हो। वो बोली, और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लोग जो बेवकूफों की तरह ये समझ रहे हैं कि तुम कोई जादूगर हो और करुण के वेश में घूम रहे हो? मैं भी यही मान लूंगी, आज से नहीं बहुत पहले से तुम मेरी नजरों पर हो। मैं तो इंतजार कर रही थी इस वक्त का जब मेरा तुमसे आमना सामना होगा। उसके इतना बोलते ही बोलते धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। इंसानी काया से बदलकर वो सिर्फ मांस के लोथड़ा की तरह नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था कंकाल के ऊपर सीधा चमड़ी ना हो, बस मांस के लोथड़ों से खून टपक रहा था, और धीरे धीरे करके वो काया भी बदल कर सिर्फ हड्डी के ढांचे के रूप में रह गई। वो हड्डी का ढांचा जिसके ऊपर सफेद चमड़ी चढ़ी हुई थी, उसके सिर पर उसी सफेद चमड़ी की तरह ही उठा हुआ सा कुछ लग रहा था जो दिखने में तो उसके शरीर का ही कोई हिस्सा लग रहा था, लेकिन गौर से देखने पर पता चल रहा था कि अलग से उसे पहनाया गया है, जैसे कि कोई ताज हो। जाहिर सी बात थी, एक कर्कशाओं की रानी थी तो उसकी कुछ अलग पहचान तो होना जरूरी था। ये दूसरी कर्कशाओं से कुछ अलग भी थी, कद काठी में भी बाकी कर्कशाओं से कुछ लंबी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सामान्य भाषा में बात कर रही थी और जब चाहे जिसका चाहे रूप ले रही थी। ध्रुव को समझते देर नहीं लगी थी कि ये वही थी जो कुहू के वेश में साम्राज्य में घूम रही थी। ध्रुव को देखते हुए वो मुस्कुराकर बोली, तुम उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो आई थी उस बच्ची के भेष में। मैं तुम्हें नजदीक से देखना चाहती थी, परखना चाहती थी तुम्हारी शक्तियों को। ध्रुव बिना बात को खींचे ताने बोला, तुम चाहती क्या हो, मकसद क्या है तुम्हारा? रानी बोली, तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी कौतुब साम्राज्य के साथ पुरानी दुश्मनी है। मैं उस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके इस पूरे साम्राज्य पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हूँ। ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, झूठ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना सा नहीं है। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना सा होता तो जैसे ही तुम्हें इस साम्राज्य में दोबारा घुसने का मौका मिला उसी वक्त तुम हमला कर चुकी होती। लेकिन तुम्हारी साजिश और यहाँ के लोगों को अपने में मिलाने की कोशिश है, ये साफ बता रही है कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। रानी एकदम बिजली की फुर्ती के साथ ध्रुव के नजदीक आई और उसके आसपास गहरी गहरी सांस लेने लगी, जैसे कि वो ध्रुव को सूंघ रही थी या शायद वो इस तरह से उसके इरादों का पता लगाना चाहती थी। ध्रुव बिल्कुल